Assalamualaikum and welcome back to my channel. Welcome back to the video. और आज है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के लिए अभी हम तमाम कर रहे हैं. जो नियाज है वो शरबत की दिला रहे हैं. आज हम लोग जैली नहीं डाल रहे. आज हम अशरफिया में लेकर आ गई थी रेड और ग्रीन कलर की. और तो मैंने कहा उससे जो है आज हम जो है शरबत वगैरह बना लेंगे. फ़िलहाल अभी मैसर की नमाज पढ़ने जा रही थी. एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को नहीं पता. वैसे तो माशाल्लाह मेरे पास इतना नहीं है इनका ख़जाना. आप लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा जो है वो आप लोगों को मालूमात है. लेकिन ये है कि मैं एक चीज़ आपसे जो है वो शेयर करना चाहूँगी, जिसने नहीं अगर वो किया पढ़ा है तो यौम आशूरा की दुआ है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा. हम लोग तो पढ़ ली हम लोगों ने. और जैसे आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो आप ऐसे उनको बिठा, तो अगर आप लोगों ने नहीं, बच्चे आपके अगर छोटे हैं तो मैंने तो अपने बच्चों को बिठा के जो है उस बीच जो है वो इतनी ज़ोर से पढ़ा था मेरे हस्बैंड ने कि उन्होंने भी सुन लिया था और मेरे हस्बैंड ने पढ़ लिया था. बाकी मैंने खुद से पढ़ा था, मेरी बच्ची ने खुद से पढ़ा था. तो उस वक्त की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैं भी दुआ पढ़ने में मसरूफ़ थी. लिहाजा आप लोग भी जाओ आशूरा की दुआ जो है वो पढ़ लीजिए. और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर रंजो गम से हम सबको बचाए, महफूज रखे हर बुरी बला से, हर तकलीफ़ से. कुरान में हदीस में यजीद का बयान नहीं, यजीद की तो कब्र का कहीं भी कोई निशान नहीं. हाजा बजा दहर में है हुसैन की औलाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है. ये कल भी जिंदाबाद था, ये आज भी जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है. बस इस तरह शरबत की तैयारी चल रही है, सारी चीज़ें डालनी हैं और शरबत तैयार हो चुका है. अब हम जो इसका नियाज वगैरह देकर जो है वो मोहल्ले पड़ोस में और जो भी बच्चे हैं उनको देंगे और ख़ुद भी पियेंगे. और बहुत मज़े का बनता है शरबत. और सच्ची बात यह है कि जितना दिल से बनाओ उतना ही इसमें जो है मिठास होती है. और मेरी बेटी को तो बहुत शौक है और उसने खुद से ही बनाया है शरबत, क्योंकि सारे शुरू से हम बना रहे होते हैं तो बच्चे हमें देखते हैं तो उसी तरह उनमें भी शौक इस चीज़ों का पैदा हो जाता है. खोपड़ा डालना भूल गई थी. अच्छा जनाब, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाया जो मेरे व्यूअर्स हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, वो उनको मैं ज़रूर दिखाऊँगी यहाँ पे जो हमारे यहाँ मुहर्रम का कल्चर कैसा होता है. तो वो उनके लिए काफ़ी कुछ मैंने इसमें बताया था कि लंगर नियाज वगैरह किस तरह होते हैं यहाँ पे. और बहुत जमा जमी होती है, लोग बहुत ज़्यादा नजर नियाज करते हैं. और पकवान सेंटर्स वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें जो है नजर नियाज के लिए ले रहे होते हैं तकसीम करने के लिए. और इसमें जो है वो शीमान होता है, बिरयानी होती है, बिरयानी भी बहुत तरह की होती है. कोई आलू छोले वाली होती है, कोई चिकन की होती है, कोई सादी बिरयानी होती है, पुलाव होता है इसमें,
दाल वाली रोटी होती है इसमें, अच्छा नान वगैरह भी जो है वो इसमें दिए जाते हैं, दलीम होता है। और हमारे घर में भी न्याज दल चुकी है और अब बच्चे जो है वो